पांकी प्रखंड के खाप स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के अधिनिर्मित भवन में ही कक्षा 1 से 4 की पढ़ाई होती है। बच्चे दरवाजे और खिड़की के अभाव में पसरी गंदगी और बालू के बीच ही बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के विवश हैं। यह हाल पिछले 4 वर्षों से है। एक तरफ सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विद्यालयों में उपस्कर मुहैया कराने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल भवन के कमरों का उपयोग ग्रामीणों द्वारा पशुशाला के रूप में भी होता है। इस संबंध में मौके पर ही मौजूद प्रभारी प्राचार्य अर्जुन राम ने कहा कि किन कारणों से स्कूल भवन अधूरा रह गया उन्हें नहीं मालूम। इसी स्थिति में भवन विगत 4 वर्षों से है। कहा कि भवन निर्माण कार्य पूरा नहीं होने की वजह से पठन पाठन कार्यों में भारी असुविधा होती है। प्रभारी प्राचार्य ने इसमें विभागीय उदासीनता मुख्य वजह बतलाया, साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग भी सरकार से की। तुम्हारा सपना कुमारी, फर्श पर तुम लोग जब बैठती है, यहाँ फर्श भी नहीं है इस भवन में, क्या परेशानी होती है तुम लोगों को? जी, क्या परेशानी होती है? यहाँ पूरा यहाँ लेटरिन कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। और कपड़ा वगैरह गंदा होता है? यस। कब से बैठ रही है इस तरह से, कितने दिनों से? क्या नाम है तुम्हारा? निशा कुमारी। विद्यालय का नाम? विद्यालय का नाम राजकीय उप मध्य कर्मज मध्य विद्यालय। कौन से क्लास में पढ़ती हो? चौथा में। तुम लोग ऐसे ही रोज बैठते ही हो? जी। बोड़ा कहाँ से लाती हो बैठने के लिए? घर से लाती हो? और इसी तरह मतलब बालू पे बैठना होता है डेली? यस। गंदगी रहता है कि नहीं यहाँ पे? गंदगी नहीं रहता है? कभी कभार बहुत परेशानी होती है, बच्चे धूल में खेलने लगते हैं और उनका सारा कपड़ा गंदा हो जाता है, जैसे बालू वालू है। कब तो से ये स्थिति है? 2013 से है। भवन अधूरा रहने का मुख्य कारण क्या है? इसमें सर मुख्य कारण है कि सेवा सरकारी शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए, सारे पैसे निकाल लिए गए, इसमें पैसे फंड में था नहीं कि इसको कुछ किया जा सके। पैसे की निकासी हुई, आपको जानकारी कैसे हुई? पैसे की निकासी जब मुझे चार्ज मिला तो जानकारी मिली कि पैसे सारे निकल चुके हैं। आप इसके लिए कभी विभाग को सूचित किए? भवन अधूरा है, सूचना दिए थे, लिखित लिखित रूप से नहीं दिए थे? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अर्जुन राम। आप इस विद्यालय में कब से पदस्थापित हैं? मैं इस विद्यालय में 8 अप्रैल 2016 से पदस्थापित हूँ। ये जो विद्यालय भवन अर्धनिर्मित है, ये कब का बना हुआ है? ये सर हमारे आने के पूर्व का बना हुआ है। इसकी शिकायत आपने कभी अपने ऊपर विभाग में किया? विभाग द्वारा जब मांगा गया कि जो विद्यालय अधूरा है उसका रिपोर्ट, तो मैं विद्यालय का जो अधूरा है उसका रिपोर्ट दिया हूँ विभाग को, उसका मेरे पास रिसीविंग भी है। कितनी परेशानी होती है आपको इस तरह से कक्षा संचालित करने में? कक्षा संचालित करने में काफ़ी कठिनाइयों का परेशान सामना करना पड़ता है। बच्चे धूल में बैठते हैं, जहाँ तहाँ कमरा सिर्फ मेरे पास 2 है पहले से, और अभी सरकार द्वारा जो व्यवस्था कराई जा रही है डेस्क बेंच वो सब मुझे रखने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। क्या जब ये भवन बन रहा था उस समय कौन थे प्रभारी? हमारे आने के पूर्व जिनसे मैं प्रभार लिया हूँ श्री ललन महतो जी थे। ये निर्माण करवा रहे थे, उनका क्या नाम? प्राप्त सूचना के अनुसार जो निर्माण करवा रहे थे उस समय श्री नंद कुमार पांडे जी शिक्षक थे। चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाजरत आदिम जनजाति वर्ग से आने वाली बच्ची इन दिनों मौत से लोहा ले रही है। मामला बाल श्रम से भी जुड़ा हुआ है और फिलहाल उसकी हालत अत्यंत नाजुक है, इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। बताया जाता है कि 7 वर्ष से बीमार बच्ची किसी अमीर के घर में घरेलू कामकाज किया करती थी। इधर स्वास्थ्य हालत बिगड़ते ही उसे उसके घर पहुंचा दिया गया। बीमारू हालत में ही बच्ची को उसके परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं लोगों द्वारा प्रखंड में इस श्रम कानून की धज्जियां उड़ाने की बातें कही जा रही है। एक बच्ची चटुआक से आई है, अंतु कुमारी करके, उसका उम्र है 14 साल, वजन काफी कम है जो करीब 17 केजी है और होना चाहिए था 35 केजी से ऊपर होना चाहिए था, जो कुपोषण लगता है, कुपोषण का शिकार है,
और दूसरी चीज हीमोग्लोबिन कम है इसका, हीमोग्लोबिन है 6.8 ग्राम, काफ़ी कम है, तो ब्लड की आवश्यकता है इसको करीब 2 यूनिट। अगर ब्लड चढ़ जाए तो थोड़ा स्वस्थ हो जाएगी बच्ची। वैसे हम लोग मलेरिया का भी चेक किया, मलेरिया नहीं है बच्ची को, कुपोषण है।